रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब के 18 लाख निवेशकों के पैसे इस वक्त दोस्तों डूबने के कगार पर थे, लेकिन दोस्तों इसको बहुत जल्द अब मिलने की बड़ी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। जहां दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल, सभी व्यूअर्स साथियों का एक बार फिर से हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आपकी कंपनी की एक लेटेस्ट न्यूज़ हमारे पास आई है। दोस्तों आइए साझा करते हैं कि पूरी न्यूज़ क्या है। बिक्री निगरानी समिति सेबी के माध्यम से परिसंपत्ति की नीलामी की सिफारिश करती है। रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब, साइट्रिक्स चेक इन द्वारा चलाई जा रही पोजी स्कीम से पैसा वसूलने में 2 साल से ज़्यादा देरी से रिटायर्ड जस्टिस जेपी देवधर हाल ही में नामांकन हेड ऑफ सेल मॉनिटरिंग कमेटी एसएमसी के साथ नीलामी की सिफारिश कर सकते हैं। एसएमसी के बजाय सेबी के माध्यम से संपत्ति संयोग से 2016 और में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधीश के पीठासीन अधिकारी के रूप में देवधर ने इन दोनों कंपनियों की सेबी द्वारा विनियमित किए जाने के लिए वैशाषिक विषय रखने के लिए अनुमति दी, जो पहले कंपनियों के खिलाफ सख्त पारित कर चुके थे। आगे खबर है कि 18 लाख से अधिक निवेशकों को डुबो दिया। 18 लाख से अधिक निवेशकों ने इन कंपनियों द्वारा तैयार किए गए हॉलीडे पैकेज स्कीम में लगभग 8,000 करोड़ का नुकसान किया। वास्तव में ये NCLT मुंबई के साथ 2017 में दायर प्रारंभिक मामले में से एक था, जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट को प्रख्यापित किया गया था। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आ गया। 8,000 करोड़ हॉलीडे पैकेज स्कीम में इन कंपनियों द्वारा मंगाई गई। वास्तव में यह NCLT मुंबई के साथ 2017 में दायर प्रारंभिक मामलों में से एक था, जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट को प्रख्यापित किया गया था। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आ गया। बिजनेस लाइन प्रश्नावली का जवाब देते हुए देवधर ने कहा कि आज तक एसएमसी के गठन की तारीख से इसमें कंपनी के कारण लगभग 14.76 करोड़ एकत्रित थे और उस पर लगभग 10.88 करोड़ खर्च किए थे रुपए। कंपनी की वजह से 14.76 करोड़ और के बारे में बताया कि रुपए की संबंध में 10.88 करोड़। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनज़र मैंने शीर्ष अदालत से एसएमसी के माध्यम से सेबी के माध्यम से परिसंपत्तियों की बिक्री पर विचार करने का अनुरोध किया है। यह अनुरोध शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है। हालांकि सीए देवेंद्र जैन दोनों कंपनियों के इंसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन और प्रोफेशनल ने कहा कि यह दावा करने के लिए एसएमसी ने पिछले 2 वर्षों में केवल 215 करोड़ की वसूली की है, बिना खाते के रखे 23 करोड़ रुपये को एस्क्रो अकाउंट में रखना अनुसूचित है। इसके अलावा फरवरी 2019 में शीर्ष अदालत के आदेश के बाद ही परिसमापन शुरू हुआ। ध्यान में रखते हुए बिना पिछले 2 वर्षों में 15 करोड़ रुपये एस्क्रो खाते में 23 करोड़ झूठ बोलकर अनुचित है। इसके अलावा फरवरी 2019 में शीर्ष अदालत के आदेश को बाद ही परिसमापन शुरू हुआ। लगाव के माध्यम से वसूली। मई 2017 में दिवालियापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद डिफॉल्टरों के 3,000 करोड़ से अधिक लगभग 100 संपत्तियों के संकलन की गई रुपए बकायदादारों को 3,000 करोड़ रुपए संकलन की है। देनदारी पुस्तकों की बारीकी से जांच करने पर संकलन संपत्तियों का 150 करोड़ रुपए की पर्याप्त पता चला है। इसमें से लगभग 15 करोड़ दिन में खर्चों को पूरा करने के लिए वसूला गया। रुपए जुड़ी संपत्ति के अलावा अन्य 150 करोड़, इस बारे में रुपए 15 करोड़ मिलने दिन के लिए दिन के खर्च के लिए बरामद किया गया। उन्होंने कहा, हमने 15 संपत्तियां बेची हैं, जो 23 करोड़ के 2 निवेश लोग अलग अलग परिसमापन खाते में
पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि 23 करोड़ जो अलग अलग परिसमापन खाते में पड़े हैं, उन्होंने कहा कि कुल व्यय में से प्रमुख लागत लगभग 52 शाखाओं में लगभग 400 कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए गई। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारियों की संख्या घटाकर 20-25 हो गई है और शुरुआती अवधि में एक महीने में स्टाफ को 15 लाख प्रतिमाह घट गए हैं और रुपए प्रतिमाह 15 लाख के खिलाफ रुपए 1 करोड़ एक महीने में प्रारंभिक अवधि के दौरान किए गए। उन्होंने कहा अन्य प्रमुख खर्चों में 10 वर्षों के लिए डीलाइट द्वारा 88 सहयोगी कंपनियों को के फॉरेंसिक ऑडिट शामिल है, जिसमें से 1000 से अधिक बैंक खातों के माध्यम से 3 करोड़ लेन देन शामिल है। लगभग 100 संपत्तियों का मूल्यांकन निचली अदालतों में 100 अलग अलग संपत्तियों के मामले में लड़ने के लिए कानूनी खर्च सुप्रीम कोर्ट पर 72 इंटरपोल क्योरिटी एप्लीकेशन कोर्ट और NCLT के ने कहा कि बिजनेस लाइन प्रश्नावली में जवाब में जैन रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल की फीस 27 महीने केवल ₹43 लाख थी। 18 लाख निवेशकों के दावों को इकट्ठा करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए सव्य एक विशाल कार्य है। उन्होंने कहा कि ₹27 महीने के लिए 18 लाख निवेशकों के दावों को इकट्ठा करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए सव्य एक विशाल कार्य है। उन्होंने कहा या दोस्तों एक बहुत बड़ा विशाल कार्य है, 18 लाख निवेशकों को दावों को इकट्ठा किया गया। आगे खबर है कि फोरेंसिक ऑडिट में पता चला कि सिट्रस वेलफेयर सोसाइटी के कुछ पदाधिकारियों जो मामले को शीर्ष अदालत में ले जाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, ये पौजी स्कीमों को भोला निवेशकों को बेचने के लिए यानी कि भोले निवेशकों को बेचने के लिए 2.5 करोड़ से अधिक प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि ये पदाधिकारी CWUS के सदस्य हैं जो अब SMC का हिस्सा हैं। पोजी योजनाओं को भोला निवेशकों को केवल 2500 करोड़। उन्होंने कहा कि ये पदाधिकारी CWUS के सदस्य हैं जो SMC का हिस्सा हैं। ऑडिट रिपोर्ट में यह भी पता चला कि पोजी योजनाओं के माध्यम से एकत्रित किए गए 8.244 करोड़ एजेंटों को कमीशन के रूप में लगभग 2962 करोड़ वितरित किए गए थे। ₹8245 करोड़ पोजी योजनाओं के माध्यम से एकत्र के बारे में ₹2952 करोड़ एजेंटों को कमीशन के रूप में वितरित किया गया। सेबी के माध्यम से संपत्ति की नीलामी करने के कदम पर जैन ने पैन कार्ड मामले में सेबी द्वारा जब्त 3000 करोड़ की कुल संपत्ति के बारे में कहा कि यह 9 नीलामियों से केवल ₹100 करोड़ की वसूली करने में समक्ष था। 3000 करोड़ पैन कार्ड मामले में सेबी द्वारा जब्त कर लिया है, वह केवल बारे में ठीक करने के लिए कर रहा था। 9 लिलामी में 100 करोड़। दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। दोस्तों आपकी कंपनी का मैटर आपके सामने लेकर आए। दोस्तों ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों आप अपनी कंपनी की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुँचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए US खान को इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।